के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख परीक्षाएं जिनके एग्जाम के डेट में परिवर्तन किया गया है, उनके सामने हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, UPRVNL TG2 का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। पहले क्या डेट थी, अब क्या डेट है और जो इसकी लास्ट डेट क्या है, उसके संबंध में भी हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, CTET का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और उसकी परीक्षा कब होने वाली है, इसके भी संबंध में हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, भारतीय वायुसेना अग्निवीर एडमिट कार्ड और एग्जाम CT जारी कर दिया गया है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही अपडेट और आगे भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखपाल के अपडेट कल हमने आपको दिया था कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम डेट है वो 31 जुलाई 99% निर्धारित कर दिया गया है। केवल यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की देरी है, तो हो सकता है आज शाम तक या कल शाम तक आ जाए, तो मैक्सिमम संभावना कि आज शाम तक ही ये जो है कि नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो वो भी हम आपको अपडेट जो है कि चैनल के माध्यम से दे देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। और देखिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा लेट तो होने वाला नहीं है, 6-7 दिन का केवल अंतर है। और इसके भी रीज़न बताया गया था कि क्यों इसके एग्ज़ाम को जो है कि यहाँ पर डेट को टाला गया है, उसका भी रीज़न आपको यहाँ पर बताया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, अगला जो एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर टला है, तो ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, UPSC। देखिए 15 जुलाई 2022 का ये अपडेट है, यानी कि कल के डेट में ये नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो मुख्य परीक्षा है इसकी जो है 24 जुलाई को होने वाली थी, और इसका जो है कि अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित करके 4 अगस्त को यहाँ पर कर दिया गया है इसके एग्ज़ाम डेट को। और देखिए 24 जुलाई को होने वाली ये जो स्टाफ नर्स की परीक्षा है पुरुष मुख्य परीक्षा को स्थगित करके 4 अगस्त 2022 को लखनऊ में होने वाला है। तो और देखिए जो इसकी टाइमिंग है वो 9:30 से 12:30 तक 3 घंटे तक इसकी परीक्षा चलेगी, और 4 अगस्त दिन देखिए बृहस्पतिवार। और देखिए लखनऊ में भी कहां पर होगा, तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिविर कार्यालय Sector D अलीगंज लखनऊ में इसकी जो परीक्षा भवन में आपका जो है कि देखिए भूतल एवं प्रथम तल में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम निम्नलिखित है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर UPRVNL TG2 के संबंध में आपको बता दें, तो देखिए इसकी योग्यता जो है वो ITI पास है, तो अगर आपने ITI कर रखा है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो इसकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने की वो तिथि थी वो 12 जुलाई थी, लेकिन किसी परिहार कारणों से जो है कि 12 जुलाई को स्टार्ट नहीं हो पाया इसका। तो देखिए 16 जुलाई यानी कि आज की डेट से इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है, और जल्द से जल्द आपका जो है कि जाकर फॉर्म को फिल कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है कब क्रैश हो जाए। तो सबसे पहले आप जो है कि इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और देखिए जो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि थी पहले देखिए 5 अगस्त थी, और उसके डेट को देखिए 4 दिन एक्सटेंड करके 9 अगस्त को कर दिया गया है। और बाकी देखिए शुल्क जमा करने की तिथि और ये सब जो है कि विस्तारित करके इसको देखिए 16/7 से 9/8 तक इसको कर दिया गया है। बाकी देखिए उक्त विज्ञापन में वर्णित अन्य विवरण तथा नियमों और शर्तें यथावत रहेंगी, जैसा कि आपको पहले यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, UPRVNL TG2 के आप जो है कि कितने पद हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यांत्रिक विद्युत इंस्ट्रूमेंट के देखिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सीट हैं, और आप यहाँ से देख लीजिएगा इसको। इसके संबंध में पहले भी आपको वीडियो के संबंध में बताया जा चुका है, इस जो इसकी नोटिफिकेशन था उसमें जो है कि इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, CTET का जो देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन ये देखिए जारी किया गया है, सार्वजनिक सूचना के तौर पर एक जो है कि नोटिस जारी किया गया है। देखिए 14 जुलाई की नोटिस है, इसमें कहा गया है कि जो इसका 16वां संस्करण है वो पूरे देश में जो है कि 20 भाषाओं में इसका आयोजन किया जाएगा, और जो इसका विस्तृत बुलेटिन है जिसमें कि परीक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम भाषा, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको परीक्षा कार्यक्रम और जो है पाठ्यक्रम भाषा जो पात्रता जो मानदंड है वो, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का जो विवरण है वो CETT की आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.IN पर शीघ्र ही उपलब्ध होगा, और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। और इच्छुक अभ्यर्थियों से जो उम्मीदवार हैं केवल CETT की यानी कि वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथियाँ जो यथासमय सूचित किया जाएगा। और देखिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क निम्न प्रकार है, तो देखिए सामान्य और OBC के देखिए पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, अगर कोई एक पेपर आप फिल करते हैं उसका फॉर्म तो आपका 1000 रुपये शुल्क रखा गया है, अगर दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अगर आप फिल करते हैं फॉर्म को तो 1200 रुपये। वहीं देखिए SC ST और विकलांग के लिए देखिए 500 रुपये, वहीं केवल अगर पेपर एक भरते हैं या फिर केवल पेपर सेकंड कोई एक पेपर भरते हैं तो 500 रुपये, और अगर दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का फॉर्म फिल करते हैं तो इसका जो है कि 600 रुपये शुल्क यहाँ पर रखा गया है।
और देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि यह दिसंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। देखिए यह जो दिसंबर 2022 परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कि CBT परीक्षा होगा, और जो है कि यह एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और जल्द ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमारी चैनल से मिलने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, अगली खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना अग्निवीर का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी जारी कर दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे देंगे, वहाँ से जो है कि आप जा करके अगर कोई भी कैंडिडेट हमारा इस जो है वीडियो को देख रहा है, अगर वो वायुसेना अग्निवीर का जो है कैंडिडेट है, तो वहाँ से जो है उसको एडमिट कार्ड को अपने आप डाउनलोड कर सकता है। इसमें उसको जो है कि ईमेल आईडी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जब उस लिंक पर जाएंगे तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से उसको देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।